व्यापारियों एवं उद्यमियों को सर्वोच्च संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपने गौरवान्वित 50 वर्ष पूर्ण करते हुए समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरस्वती वंदना के बाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल NCR अध्यक्ष एवं जिला चेयरमैन सुनील गुप्ता, नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष पूर्व विधायिका बिमला बाथम, नियोम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की सहयोगी संस्था अग्रवाल मित्र मंडल सेक्टर 33 नोएडा के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और उन्हीं सभी बच्चों का सम्मान प्रतीक देकर सम्मान भी किया गया। सुनील गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों को प्राचीन काल से ही भामाशाह एवं नगरसेठ की उपाधियों से सम्मानित किया जाता रहा है और सभी दरबारों को में उनके उचित स्थान प्रदान किया गया, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इस वर्ग को राजनीतिक रूप से वह हक नहीं प्रदान किया गया जिसके योग है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से निवेदन किया कि राजनीतिक दलों एवं सरकारों में उद्योग एवं व्यापार से संबंधित रिक्त स्थान की भरपाई के लिए योग व्यापारियों एवं उद्यमियों को स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश की आर्थिक स्थिति एवं रोजगार की समस्या का समाधान मात्र सरकारी नौकरी से नहीं हो सकता। यदि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने उद्यमियों और व्यापारियों को छोटी छोटी बातों पर जेल भेजने एवं उनको प्रताड़ित करने का विरोध किया। उन्होंने यह सुझाव रखा कि जो भी सरकारी कर्मचारी स्वर्ग को परेशान करता उसे कठोर से कठोर कानून बनाकर दंड देने का प्रावधान किया जाए। व्यापार मंडल पिछले 50 वर्षों की सरकारी एवं व्यापारियों के बीच सेतु का कार्य करने हेतु विस्तृत जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने खुद को व्यावसायिक और व्यापारियों वर्ग से बताते हुए व्यापारी वर्ग और व्यापारियों को पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। अनुज गुप्ता, ब्यूरो चीफ, नोएडा। सर, आप आज व्यापार मंडल के 50वें वर्ष में जो आए हैं, क्या? देखिए, उद्योग व्यापार किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का स्तंभ होते हैं और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और विश्व में भी अपनी पहचान बनाए हुए जनसंख्या की दृष्टि से व्यापार मंडल के 50 वर्ष का गौरवमय इतिहास रहा है। और 50 वर्ष का शब्द भी अपने आप में, आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें 50 वर्षों तक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने सफलता के साथ अपने पूरे किए हैं। उनके साथ जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। भाई सुनील गुप्ता जी, भाई अमित मोदी जी, रंजन गुप्ता जी, सभी को मैं बधाई देता हूं। और जनप्रतिनिधि होने के नाते उद्योगों का संरक्षण, उद्योगों का बृहत्तीकरण कैसे हो, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हम सब बजाय नौकरी मांगने वालों की लाइट में मिलकर अपना कार्य शुरू करें। और जिसके लिए उन्होंने स्टार्टअप, स्टैंडअप जैसे योजनाएँ शुरू करी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे पूरा विश्वास है उन सभी का फ़ायदा उठाकर पूरा उद्योग और व्यापार उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जीएसटी को लेकर समस्या आ रही है, उसके लिए सरकार क्या? देखिए, ये एक समस्या आई थी, उसको जब हमने अधिकारियों के संज्ञान में लाया कि व्यापारी कोई दुश्मन नहीं है किसी के भी, और व्यापारी टैक्स भी देता है और टैक्स के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर लोग किसी छोटे बड़े उद्योग व्यापार में कहीं ना कहीं कार्य करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था का भी स्तंभ है। व्यापारियों के साथ बैठकर इनकी किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए। अगर कोई नई व्यवस्था आई है तो उस नई व्यवस्था को समझने में थोड़ा समय लगता है, उसकी लाइन में चलने में, तो और उसका असर भी आया है। GST विभाग ने भी इसमें संज्ञान लिया है।